नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। जिस मुल्क ने ना जाने कितने मंदिर तोड़े, गुरुद्वारों पर हमला किया, वो बेशर्म पाकिस्तान। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर से तिलमिला गया है। पाकिस्तान की 2 करोड़ का विदेश मंत्रालय, जिसकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है, जिसकी बातों को दुनिया का हर देश रद्दी की टोकरी में डाल देता है, वो कह रहा है कि बीजेपी और आरएसएस कोरोना काल में हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं। आज इसी पर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान को उसका इतिहास याद दिलाया जाएगा और बताएंगे कैसे श्री राम और लव कुश के नाम पाकिस्तान के वजूद से जुड़े हैं, और आखिर क्यों अयोध्या के साधु संत ये कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो लाहौर में भी बनना चाहिए। लेकिन आज पाकिस्तान की आतंकी सोच एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई है। हालांकि भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान की पुलवामा पार्ट 2 वाली साजिश को नाकाम कर दिया है, लेकिन सवाल है आखिर इमरान खान बार बार ये क्यों कह रहे थे भारत खुद ही हमला करवा कर हमारे ऊपर आरोप लगवाने की तैयारी में है। तो क्या इमरान खान को इस फेल हो चुके आतंकी हमले की जानकारी पहले से थी, या फिर उनकी सेना ने उनको यह भी नहीं बताया था? इन तमाम मुद्दों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होगा सीधा आर पार। राम नाम से डरा पाकिस्तान। राम के नाम का प्रभाव ऐसा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के नाम से ही पाकिस्तान तिल मिला उठा है। इमरान से अपना मुल्क भले ही नहीं संभल रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने घटिया सोच दिखाते हुए कहा है। एक ओर दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं आरएसएस बीजेपी गठबंधन हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगा है। बाबरी मस्जिद स्थल पर एक मंदिर के निर्माण की शुरुआत इसका सबूत है, और पाकिस्तान की सरकार इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। मंदिरों, गिरिजाघरों और गुरुद्वारों को तोड़ने में कुख्यात पाकिस्तान से इस गंदी सोच के अलावा कुछ और उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन पाकिस्तान की शर्मनाक सोच का अयोध्या के साधु संतों ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि अब वो दिन दूर नहीं कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो लाहौर में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर रहेगा। भारत की बात कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है, ज्यादा बिलबिलाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के अंदर भव्य से राम मंदिर बनकर तैयार होगा और वो कुछ कर नहीं पाएंगे, भारत को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि साधु संतों की सोच कहीं से गलत भी नहीं, और वजह खुद पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह से सुन लीजिए। राम के 2 बेटे थे, लव और कैश खुश। उनके शहर कौन से थे? कसूर, राइट। वहां एक हिंदू रहता है? नहीं रहता ना। राम के बेटों के शहर में एक हिंदू नहीं रह रहा। इससे मैं एज अ मुस्लिम कहता हूं, मेरी ये ड्यूटी है कि मैं कहूं सच बात यह है कि राम के बेटे के शहर में हिंदू ना होना एक गुनाह है, और मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस गलती को कन्वर्ट टर्न करे। उधर चौतरफा फजीहत और कई बार भारतीय सेना के हाथों पिटाई के बावजूद पाकिस्तान अपनी आतंक नीति से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने पुलवामा पार्ट 2 करने की कोशिश की, लेकिन भारत के सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने इसे नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के पालतू आतंकी एक कार में करीब 40 किलो IED विस्फोटक भरकर हमले की फिराक में थे, लेकिन भारतीय सेना को देखते ही वो डरकर भाग खड़े हुए। बाद में इस विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि अपने देश में अल्पसंख्यकों को कुचलने वाला बेशर्म पाकिस्तान भारत में राम मंदिर निर्माण पर कैसे सवाल उठा सकता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राम नाम से डरा पाकिस्तान। सच तो यह है कि श्री राम के नाम से डरना चाहिए पापियों को, और पाकिस्तान तो पापी है इसलिए बहुत डरता है। मैं कोई आध्यात्मिक गुरु की तरह बात नहीं कर रहा, मैं आज आपको
कुछ सच्चाई बताऊंगा जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी या फिर आपके बच्चों तक नहीं पहुंची होगी। इसीलिए इस कार्यक्रम को ध्यान से देखिए और अगर ये वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो अपने घरों में जरूर करिए और ट्विटर पर फेसबुक पर जरूर शेयर करिए। इतिहास का ये पन्ना भारत की 130 करोड़ जनता को ही नहीं समूची दुनिया को पता होना चाहिए कि श्रीराम का नाम कितना बड़ा है। पाकिस्तान में श्रीराम के वजूद का विश्लेषण और सच्चाई सुनिए। मान्यता है कि लाहौर का पुराणिक नाम लवपुरी था। लवपुरी अब लाहौर को श्रीराम के बेटे लव ने बसाया था। लवपुरी यानी लाहौर के किले में आज भी लव का मंदिर है। लाहौर का जो किला है वहां पर लव का मंदिर आज भी है। जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, जो पाकिस्तान जा चुके हैं, वो इस बात को जानते हैं। कुशपुर अब कसूर को श्री राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। अमरकोट सिंध का नाम अमरकोट शिव मंदिर से जुड़ा है। यानी अब आप सोचिए सिंध में जो अमरकोट है उसका नाम भगवान शिव से जुड़ा है। तो इस पाकिस्तान का वजूद, इस पाकिस्तान का वजूद श्रीराम के वजूद से है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनको मानना पड़ेगा कि वो इनके भी पूर्वज हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ टीम हिंदुस्तान है, मेरे साथ टीम पाकिस्तान है। टीम हिंदुस्तान से मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन, आरएसएन सिंह, स्वामी दीपांकर हैं और टीम पाकिस्तान से मेरे साथ इस चर्चा में कमर चीमा है और आरजू काजमी है। और टीम हिंदुस्तान में आज हमने कैनेडा से एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया है जो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानता है, पाकिस्तान के वजूद के बारे में बहुत कुछ जानता है। आज तारिक फतेह का भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन है। मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूं आरजू काजमी। सबसे पहले तो आपने एक और हिमाकत करी आज पुलवामा में एक और टेररिस्ट अटैक करने की जो नापाक हो गया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपके विदेश मंत्रालय को कोई काम धाम नहीं है दुनिया के अंदर? हिंदुस्तान की अयोध्या नगरी के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये अपना फतवा वहां से निकाल रहे हैं, सुन कौन रहा है उसको? कुछ और काम कर ले, इससे बढ़िया तो कोरोना की किट मांग लेते भारत से, दे देता भारत। आरजू जी देखें, बिल्कुल आपने अभी जो रिपोर्ट चलाई आपकी, वो रिपोर्ट मैंने पहले भी इस तरह की बात सुनी थी और देखी थी। तारिक फतेह साहब ने भी बात की है कई बार इस पे। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि पाकिस्तान में भी राम का मंदिर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपके विदेश मंत्रालय को क्यों है बनाए? लेकिन अगर आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएंगे, आप 5 साल बाद 10,000 साल बाद आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे मंदिर था, मस्जिद बन गई, इसको तोड़ने में उसके खिलाफ हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी जो है बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं राम जी की, जैसे आप लोग करते हैं हम लोग भी करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी दूसरे मजहब के, अगर कोई रिलीजियस कोई है तो हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं। आरजू काजमी, तो आप मेरा सवाल सुन नहीं रही हैं या आप उस सवाल को जलेबी की तरह घुमा रही हैं? मेरा सवाल एक सेकंड, मेरा सवाल है, आप कह रही है कि आपको राम के वजूद पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपका विदेश मंत्रालय वो चिट्ठी काहे लिख रहा है, वो ज्ञापन दे रहा है, वही बता रही हूं, फतवा दे रहा है, क्यों? जो मस्जिद आप नहीं, आप होते कौन है? रिलीजियस सेंटीमेंट जुड़े हुए थे लोगों के, ये कोई तरीका नहीं है कि 500 साल के बाद आप बाबर से आपका क्या लेना देना है? आरजू ना, बाबर से पाकिस्तान के इतिहास का क्या लेना देना है? आरजू आप मुझे बताइए, बाबर ने पाकिस्तान के लिए क्या करा है? आप बाबर की वकालत कर रहे हैं, बाबर ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? अब मैं फिर आपको बताऊंगा श्रीराम ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, आज के पाकिस्तान की। मस्जिद की बात कर रही हूँ मैं, उसके मस्जिद। अरे मस्जिद की बात छोड़िए, बाबर ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? मैं कह रही हूँ कि अगर किसी के रिलीजियस ना हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए बाबर ने कुछ किया, ना पाकिस्तान के मुसलमान के लिए बाबर ने किया। बाबर ने पाकिस्तान को भी वैसे ही लूटा था, क्योंकि तब वो पूरा हिंदुस्तान था, याद करना। नहीं, आप बात को आप घुमा रहे जलेबी की तरह, घुमा रहा हूं, घुमा रही हूं मैं आपको। आप कह रहे मस्जिद तोड़कर, मस्जिद तो अभी वहां पे साक्ष्य निकले हैं, प्रभु श्री राम के साक्ष्य निकले हैं वहां पर। नहीं अच्छा, अब आप हर हर हजारों साल के बाद आप ये कहानियां लेकर आएंगे? जी जी, तारिक फतेह को मैं लेकर आता हूं चर्चा में। सारे चर्च तोड़ देंगे तो वो तो सही नहीं है। नहीं तो आपने तो कोई छोड़ा नहीं है पाकिस्तान के अंदर,
लिस्ट बताऊं कौन कौन सा मंदिर तोड़ा आपने, कौन कौन सा गुरुद्वारा तोड़ा है, लिस्ट बताऊं? तो सर गलत किया है ना, मैं कब साथ आपने करा है? गलत किया है, आपके मुल्क ने करा है, हाफिज सईद ने करवाया तुम्हारे से, दोनों मुल्कों में से ना, दोनों मुल्कों में नहीं, यहाँ आज भी जामा मस्जिद है पूरे एहतराम के साथ, पूरे सम्मान के साथ। दोनों मुल्कों का कोई मुकाबला नहीं है मैडम, मैडम दोनों मुल्कों का कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला है सर, भारत के आंचल से, भारत के आंचल से कटकर ही पाकिस्तान बना है, इसलिए कोई मुकाबला नहीं है दोनों मुल्कों का। लेकिन तारिक फतेह, प्रभु श्री राम का मंदिर बने हिंदुस्तान में, अयोध्या में, 100 साल के इंतजार के बाद बने, 500 साल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को क्या तकलीफ हो रही है? देखें, एक जो सियासी कश्मकश है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसके अंदर बड़ा पहलू है कि प्राइम मिनिस्टर खत लिखे और ये करे, उससे ज़रा हटके मैं बात करना चाहता हूँ जो मेरी बहन ने वहाँ पाकिस्तान से की। देखिए, मक्का के अंदर 20 मस्जिदों को बुलडोज़र ने हटा के तोड़ के अलग कर दिया, किंग खालिद का महल बना उस जगह पे। ये उसी जमाने की बात है जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। मैंने उस वक्त, मैं सऊदी अरेबिया में रहता था, इस बात पे ताज्जुब का इजहार किया कि किसी पाकिस्तानी को मक्के के अंदर हमारे पैगंबर के घर जो था उनका, उस पर एक पार्किंग लॉट बना देना, उस पर कोई तकलीफ नहीं हुई, ये बाबरी मस्जिद पे क्या है? तो मैं ये जहां तक एनालाइज कर सका हूं कि हमारी जहन में जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों में ये अब तक नहीं गया है कि हम हिंदुस्तान पे हुकूमत नहीं कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ये फैक्टर है कि पाकिस्तान बन गया और इंडिया के मुसलमानों के रखवाले जो हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, ये काफ़ी साल तक रहा। जहाँ तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक है, बाबर ना पैदा हुआ हिंदुस्तान में और ना मरा हिंदुस्तान में। बाबर ने जितने मुसलमान मारे पाकिस्तान के एरिया में, ये जो तोरखम का एरिया है, पश्तूनों का जो एरिया है, आप उठा के पढ़िए, यू विल बी शॉक्ड के जो बाबर ने पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ हशर किया वो इंडिया में इतने साल रहा भी नहीं। जी, लेकिन जी। उसके नाम पे मस्जिद, एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाना, जिस पे चाहे हम मुसलमान उस बात को माने या ना माने, जो हिंदुस्तान के असली बाशिंदे हैं, जो हिंदुस्तान तभी तो हिंदुस्तान कहलाता है वरना वो कुछ और कहलाया जाता, वहां उनकी जो सोच है कि ये राम मंदिर है, उससे हमारा इख्तलाफ करना, नॉट ओनली वॉज इट बैड पॉलिटिक्स इन बैड टेस्ट एंड टेरिबल थिंग टू हैपन, वो इसलिए कि बीच में जब बाबरी मस्जिद थी तो ये भी तय किया गया कि साथ में मंदिर अलग बन जाएगा। उसका मैं देख के आया हूँ, पूरा सीमेंटेड एरिया है, जो फिर राजीव गांधी के दौर में वो रोक दिया गया, क्योंकि जो हठधर्मी थी, जो वो क्या कहते हैं, एक एरोगेंस थी कि तोड़ के बताए मस्जिद कोई जान दे देंगे, ये इस टाइप का एटीट्यूड काफ़ी कॉमन है, और जब हो जाता है तो चुप कर जाते हैं, अगर अरब कर ले तो हमें एक्सेप्टेबल है, अगर कोई स्या रंग का हिंदुस्तानी करे तो हमें ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि हम अपने आप को दीनी तौर पर समझते हैं। टीम हिंदुस्तान से सैयद शाहनवाज हुसैन, ठीक है, मैं रुक करता हूँ कमर चीमा साहब का। कमर चीमा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, विदेश मंत्रालय प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, आप आज दुकान खोल के बैठे हैं, उस दुकान का तो कोई ग्राहक ही नहीं है, खोली क्यों है? देखें अमेश भाई, बात यह है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या हमें श्री राम का मंदिर बनाने का अधिकार नहीं है? हम सेकुलर देश है तो? अब मेरी बात तो सुन लेना यार, ऐसे तो ना करें, आप अपना बात करें, मुझे सिर्फ बात करने का मौका दें। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री होने के नाते जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो एग्जेक्टिव लेजिस्लेटर और जो जुडिशरी है, इसमें ज्यादा ये की गई है कि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर जो है
वो तो इस काम में बढ़ा के उन्होंने मस्जिद गिरा दी और उसको कंडोन भी कर दिया कि ठीक हो गया। मुझे तकलीफ दे बात यह है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसने भी मुसलमानों के खिलाफ वर्डिक्ट दे दी और पता चला कि ये हिंदुओं की सुप्रीम कोर्ट है, एक सेकुलर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो सबसे बड़ी तकलीफ दे बात थी। और ये जो एहसान किया है कि मुसलमान कहीं और जाके मस्जिद बना ले, मुझे ये बताएं ये बीजेपी के जमाने में, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों का राम से तो लेना देना है, बाबर से क्या लेना देना है? ना ना एक सेकंड कमर कमर चीमा, ये जो बाबर की इतनी वकालत करते फिर रहे हो और भारत की सुप्रीम कोर्ट को हिंदू सुप्रीम कोर्ट कह रहे हो, ये तुम्हारे यहाँ होता होगा कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट होती होगी। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और उसकी 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 बात सब मानते हैं, हर धर्म मानता है। सुनो सुनो ना ना एक सेकेंड, मैं बतौर भारत के मुसलमान, मैं बतौर भारत के मुसलमान सच्चे हिंदुस्तानी सैयद शाहनवाज हुसैन को डिबेट में लेके आना चाहता हूँ। रुकिए कमर चीमा, आपने बड़ी बात बोली है, आपने मेरे मुल्क के बारे में बड़ी बात बोली है, मैं नहीं बोलूंगा, भारत का सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान बोलेगा आपके मुंह से। शाहनवाज हुसैन आप रूलिंग पार्टी के बड़े नेता है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लेकिन एक सेकेंड रुकिए, शाहनवाज हुसैन टीम हिंदुस्तान से। पहले कमर चीमा सरेआम झूठ बोल रहे हैं, पहले उन्होंने पहले शांत शांत हो जाइए, थोड़ा दवा ले लें, कुछ पानी ले लें जी, शांत हो जाइए। ईद ईद अभी अभी बीती है और ईद के वक्त आप ऐसे मातम क्यों करने लगते हैं भाई, मुहर्रम थोड़ी आया अभी, अभी थोड़ा शांत हो जाए, अभी थोड़ी मिठास रखें। कांग्रेस में होते तो बेहतर होते, आप बीजेपी में हैं वहां पे अपनी इज्जत बचा रहे हैं। अरे भैया आपको क्या मतलब है, कांग्रेस में होते तो बेहतर होते, बीजेपी में तो बेकार है। छब्बीस ग्यारह के बाद में ही सिविल एविएशन मिनिस्टर था, पाकिस्तानियों का जहाज हिंदुस्तान के ऊपर से बंद मैंने ही किया था, आपको याद नहीं है, मैंने ही बंद किया था आपका जहाज उड़ना। और आपको मैं बता दूं, आप कांग्रेस के इतने कांग्रेस के समर्थक क्यों हैं जो मुझे कांग्रेस में जाने को कह रहे हैं? आपको कांग्रेस से इतनी मोहब्बत क्यों है? बीजेपी से डर क्यों लगता है? बीजेपी दुश्मन क्यों नजर आती है? और कांग्रेस की इतनी कांग्रेस के साथ अपना इतना जोड़ क्यों कर रहे हैं? मैं जवाब दे दूं, जरा इनकी आवाज बंद कीजिए अमित जी, ये जानते हैं कि मैं इनको ऐसा कहने वाला हूं कि फिर से कमर चीमा क्या हो गया? अपनी टर्न पे आप बोले, चीमा साहब दवा ले लें चीमा साहब, कोई दवा लेते हैं कमर चीमा आप? क्या मेरे को जानकारी नहीं थी, अगर आपको दवा लेने का समय तो ले लीजिए आप। चीमा साहब थोड़ा शांत हो जाए, देखिए आरजू जी भी हंस रही है, कोई दवा लेते हैं लगता है तो ले लीजिए। थैंक यू बेटे, पहले तो मैंने ये कहा कि आप अपनी बात को याद नहीं रखते क्या? आप ये कहते हैं, पहले आपने कहा सेक्युलर कंट्री है, आज आरजू काजमी भी अच्छा बोली कि भाई ये हिंदुस्तान का मामला है। बात ये है, वो कहती है कि राम मंदिर वहां भी बनना चाहिए, सही बात है। अब तो मंदिर की जगह यूएई ने भी दे दी, यानी दुबई में अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। अगर आपका मुल्क इस्लामिक मुल्क है लेकिन हर मजहब के लोग थे, आपने तो उन सबको मिटा दिया, आज देखिए क्या हालत हो गई पाकिस्तान में, माइनॉरिटी की आबादी कितनी कम हो गई। मस्जिद के गिरने को मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के, अरे भाई चुप रहिए ना, फिर से थोड़ी पानी पी लें चीमा साहब, दूं पानी क्या? के गिरने को कैसे डिफेंड कर सकता है? अच्छा कोई नहीं, पानी दूं क्या चीमा साहब? ये लीजिए पानी ले लें चीमा साहब, पानी पी लें। अरे पड़ोसी हैं आप, मैं जानता हूं आज बहुत परेशान है। अरे मैं आप बोल रहा हूं अमित जी, मैं बोलूं इनकी आवाज कैसे बोलूंगा, ये तो डिस्टर्ब करने आए, अच्छी बहस करेंगे आज इंडिया पाकिस्तान की। चीमा साहब थोड़ा सा पानी पी लें, मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना गलत है। मैं बार बार कहता हूं, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त, भारत से अच्छा
संविधान और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। ये हमारा मुल्क है। अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हाँ सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। तो आज रौनक ही नहीं है, यकीन करके माने आज ये, आपके मैं, चेहरे पे अरे मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हिंदुस्तान में रहती है, और हिंदुस्तान की अदलिया के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू और मुसलमान ने दोनों ने माना है, और दोनों ने माना। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमान आपके रहम करम पर नहीं है। हम अपनी तकदीर खुद लिखते हैं हिंदुस्तान के संविधान में। जी जी, कमलजी मैं आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, उतना यहाँ जी हमारा संविधान, हमारी अदालत। आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है शहरवाज, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूँ। मेरे साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर भी हैं और आरएसएन सिंह भी हैं। मैं आपका रुख करता हूं आरएसएन। आरएसएन, ये श्री राम का मंदिर अयोध्या में हम सब जान रहे बन रहा है, लेकिन मेरे पास तो पूरी लिस्ट है कि इन्होंने कौन कौन से मंदिरों को तोड़ा है, कौन कौन से गुरुद्वारों को तोड़ा है पाकिस्तान के अंदर। अगर लवपुरी लव के नाम पर है तो क्या लाहौर को ये बर्बाद कर देंगे? देखिए, तारीख की बड़ी समस्या है पाकिस्तानियों की बड़ी, और ये समस्या ऐसी समस्या है कि मुल्कें बिखर जाती हैं जिसके पास तारीख नहीं होता। अब मैं इनकी तारीख का आपको एक उदाहरण देता हूँ, कन्फ्यूजन तारीख की कन्फ्यूजन का। देखिए इनके मिसाइलों का नाम देखिए आप, बाबर, अब्दाली, गौरी, गजनी, ठीक है। अब बताइए साहब कि बाबर के नाम पर इनको इतना फक्र है, वो मुगल बादशाह था ना, और अब्दाली किसको लूट के ले गया था? अब्दाली जब यहाँ आया था तो किसको लूट गया था? मुगलों को लूट के ले गया था, है ना, बेटियां तक उठा के ले गया। अब इतिहास कौन बताए इनको? लेकिन बाबर के भी नाम से मिसाइल है और अब्दाली के नाम से भी मिसाइल है। अब घौरी बताइए, घौरी कहां से पाकिस्तान का था ये बताइए आप मेरे को, मेरी समझ के बाहर में। गजनी तुम्हारा कैसे हो गया? और तुमको मालूम है मैं तारिक फतेह साहब का ही सुन रहा था कभी की गजनी तो नहीं मैंने कहा गजनी ने कभी कभी हज तक नहीं किया। एक बार मैं और बता दूं आपको, कमर सीमा ये आपकी, अब आप हिंदुस्तान की भी बात सुनेंगे ना, आपकी बात को सुना गया ना? नहीं सुनिए साहब, सुनिए, और मैं आपको एक और इतिहास का एक पृष्ठभूमि देता हूं कि जितने मुसलमान यहां पे राज किए, क्वीन ऑफ भोपाल, बेगम ऑफ भोपाल के अलावा किसी ने कभी हज नहीं किया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, और आप यहां ये मजहब की बात कर रहे हैं और ये इनको आप पूर्वज मानते हैं? अरे आपको मालूम है जिस मुल्क में आप हैं वहां एक राजा दाहिर राज करता था, वो जानते हैं तारिक फतेह साहब? उसने अली के परिवार को उन्होंने शरण दी थी, उन्होंने वहां पनाह दी थी, आपको मालूम है ये बात? कमर चीमा जवाब दीजिए। उनको मारने के लिए आपका गौरी से कोई लेना देना नहीं है, आपका पांडवों से लेना देना है, आपका लव से लेना देना है, आपका कुश से लेना देना है, आपका श्रीराम से लेना देना है। इसीलिए अपने पूर्वजों को आप भी पहचानो। एक श्रीराम का मंदिर, एक श्रीराम के मंदिर की नींव आप भी रख के आना कमर चीमा। अपने पूर्वजों का तो सम्मान करो। ये गजनी, गौरी, बाबर आपके पूर्वज नहीं है। अगर हमने गौरी बाबर नाम रख लिया अपने मिसाइलों के तो आपको तकलीफ हो रही है? अरे वो है ही नहीं ना, आने वाले वो अफगानिस्तान के हैं। तो आरएसएन साहब को कोई तकलीफ नहीं होती? आरएसएन साहब हम गौरी रखे, हम गजनवी रखे, हम जो मर्जी रखे, तो आपकी तारीख की कंफ्यूजन। आपको यही नहीं मालूम है कि आपकी पैदाइश कहां से है? आपको यही नहीं मालूम है कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों की पैदाइश किसकी है? आप घोरी की पैदाइश हो, गजनी की पैदाइश हो, किसकी पैदाइश हो, या कायदे आजम की पैदाइश हो? वो तो शिया था। कोई अकल का नाम यही नहीं मालूम है जाके आप
जाके अपने बुजुर्गों, मुझे तो नहीं पता था आप अपने बुजुर्गों, नहीं सर आप अपने, हर पाकिस्तानी का फर्ज होता है, हर पाकिस्तानी का फर्ज होता है कि वो अपने बुजुर्गों से जाके पूछे कि वो किसकी पैदाइश है। जब आपको पैदाइश साफ हो जाएगी तो अपने आप, अपने आप सब कुछ साफ हो जाएगा। सब मुसलमान थे भाई, हमने रख लिए, आपको क्या मसला है इससे? अरे वाह, ये देख लीजिए, देखिए सर क्या तर्क है, क्या वाह वाह आप तो आपका तो ऐसा हाल हो गया, जो बच्चा क्रिकेट का मैच हारने लग गया वो विकेट उखाड़ के जा रहा है कि अब मैं नहीं खेलूंगा, हमने किसी को चाटा तो नहीं मारा। अरे ना चाटा मारने की बात है, ना थप्पड़ मारने की बात है, ना पेंट उतारने की बात है, ना कमीज उतारने की बात है। ये बात बड़ी सरल है कि आप एक सेकेंड आप कह रहे हो कि हमने किसी को चाटा तो नहीं मारा, आप किसको चाटा मारेंगे? आप तो डेली चाइना से चाटा खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? डेली चाइना आपको चाटा मारता है, वो कहता है कि ये करो, यहाँ रोड में बनाने जा रहा हूँ, मुझे मेरा सम्मान पहुंचवाओ। लेबर आपकी लगाता है, काम अपना कराता है, कराता है नहीं कराता? आप क्या किसी को चाटा मारोगे? आज हिंदुस्तानी फौज ने आपको चाटा मारा है पुलवामा में, पुलवामा में इस हफ्ते हिंदुस्तानी फौज ने आपको चाटा मारा है। एक बम से भरा हुआ ट्रक भेजा था, वो बम से भरा हुआ ट्रक और जो बम जो उसको चला रहा था वो सब 72 यूरो के पास पहुंच गए हैं। मेजोरिटी कॉम्प्लेक्स, माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स, आपका कॉम्प्लेक्स तो पूरी दुनिया से है। आपका आपका कॉम्प्लेक्स तो ऐसा है कि आने वाले 20 साल के बाद असामा मिसाइल बनाऊंगे, आप आने वाले 20 साल के बाद हाफिज सईद मिसाइल बनाऊंगे, आने वाले 20 साल के बाद आप दाऊद इब्राहिम मिसाइल बनाओगे, फिर अल कादरी, फिर आईएसआईएस मिसाइल भी बनाओगे आप लोग। क्या कोई कर सकता है? कोई कोई अपना वजूद आतंक और इन्वेडर्स के साथ रखना चाहता है वो इसी लायक है। योर आपका देश पूरी दुनिया में आतंक फैलाता है, इसीलिए नाम भी आपके वही है, पुराने आतंकी, पुराने आतंकी माने जाएंगे ना वो मुसलमानों ने आने वाले। अरे क्या मुसलमान मुसलमान करते हो आप? चाहते मुसलमान हमारे मुल्क में है, क्या मुसलमान मुसलमान करते हो आप? कबर चीमा, क्या मुसलमान मुसलमान करते हो आप? चाहते मुसलमान हमारे मुल्क में है? अरे भाई कभी पाकिस्तान मुसलमानों से क्या पूछेगा कोई? पाकिस्तानी की भी हैसियत से बात करो कभी कभी। मुसलमान 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 मुसलमान, ये देखिए हमारे एक बहुत वरिष्ठ पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, एक हमारे बहुत वरिष्ठ पूर्व मंत्री बैठे, वो भी मुसलमान है, लेकिन तुम दोनों में देख लो एक हिंदुस्तानी मुसलमान और एक पाकिस्तानी मुसलमान में क्या फर्क होता है। मुसलमान तो डरा हुआ उनकी है। वो सब मुसलमान डरे हुए हैं, उसका जवाब वही देंगे। तारिक फतेह भी डरा हुआ है, सिर्फ 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 कमर चीमा कमर चीमा तुम ही नहीं डरे हुए? अभी बोलो एक सेकंड, कमर चीमा हाफिज सईद के खिलाफ बोलो, बोलो हाफिज सईद के खिलाफ, दाऊद के खिलाफ बोलो, क्या बोलो, बोलो बोलो तारिक फतेह एक सेकंड, शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे? जी जी, देखिए खुदा का शुक्र है, इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें खुदा का शुक्र के साथ कहते हैं कि जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जितना हक है ना उतना आपको नहीं है। आप तो आईएसआई जो चिट्ठा देता है वही पढ़ने आते हो, हमें संविधान ने बराबर का हक दिया। अरे अरे मैं कह रहा हूँ आपको, हमारे वीर अब्दुल हमीद ने तो तुम्हारे पैटर्न टैंक तोड़ दिए थे, हमारे वीर अब्दुल हमीद ने तुम्हें मार मार कर पैटर्न टैंक तोड़ दिए थे। हमारे यहाँ हमारे जो मुसलमान है हुकूल वतनी करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानियों के रहमो करम पर नहीं है, आपके सर्टिफिकेट पर नहीं है। जितना डरा हुआ मुसलमान तो पाकिस्तान कब मार देगा चाइना, कब मार देगा अमेरिका? ये डरे सहमे लोग हमसे क्या बात करोगे? भारतीय मुसलमान आपकी तो बदकिस्मती है, उधर पैदा हो गए, पहले तो यही हिंदुस्तान था, कट के उधर चले गए। अगर यहाँ रहते तो पूरी दुनिया में इज्जत होती, आपके कपड़े ना उतरते। जिस तरह आप पाकिस्तानी मुसलमान हो, अमेरिका जाते हो तो आपके कपड़े उतार लिए जाते हैं, आपकी लेडीज भी जाती हैं तो उनका एक्सरे हो जाता है। जी तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं, स्वामी दिवाकर भी है काफी देर से मेंशन बने हुए। जी जी जी, एक सेकंड, स्वामी दीपांकर भी कुछ कहना चाहते हैं। तारिक जी मैं आपके पास भी आऊंगा। स्वामी जी आपको ऐसी उम्मीद थी कि प्रभु राम के का मंदिर हिंदुस्तान में बनेगा और तकलीफ पाकिस्तान में होगी?
अमीश, मैं पिछले 26 मिनट से सुन रहा हूँ, कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क के बैठे लोग हैं जो कुतर्क दे रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो दो चार महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ। इन लोगों की बात सुनकर कैसा प्रतीत होता है, मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति जी। कट गई उनकी आवाज, इनकी। अरे जी दीपांकर जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ गई है, हमें आपको दोबारा कनेक्ट करेंगे। कमर चीमा को आगे आगे बोलिए दीपांकर जी। स्वामी दीपांकर बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि सामाजिक हित की बात करने निकला है सरपंच, जाने कितना सत्य है और कितना परपंच। मेरे देश में मंदिर का निर्माण और मेरा बेवजह पड़ोसी परेशान, इसको आप क्या कहेंगे? समझते हैं कि बेदानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पूछो कि तू कौन, बोले मैं खामखा। बोले 408 मंदिरों में से मात्र 21 बचे हैं और 171 मात्र गुरुद्वारे, सारे मंदिर चबा गए, खा गए, और मेरे लिए बोल रहे हैं कि मंदिर निर्माण हो रहा है कि आपको तकलीफ है। भाई साहब, निठल्ले हैं या खाली, मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि कुछ ऐसा करिए कोरोना काल में कि देश आपका बचे। आपको मंदिर की सूझ रही है, भांग चबा कर बैठे सब लोग, कुछ तो थोड़ा बहुत समझिए। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, देश कोरोना से पीड़ित है, दुनिया कोरोना से पीड़ित है, इनका विदेश मंत्रालय मंदिर सूझ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि तू कौन? बोले भाई साहब मैं काम का। एक सेकंड रुकिए कमर चीमा, अर्जू काजमी को मैं लेके आता हूँ। अर्जू जी भी कुछ बोलेंगी भाई, कमर चीमा अर्जू को तो मौका दीजिए। भूल गए आप लोग? नहीं नहीं, ये आपके आपके आपकी टीम का मेंबर ही भूल गया, ये कमर चीमा ही बोले जा रहे हैं। कमर चीमा को बोलिए आप ये बात। क्या मतलब मेरी बारी नहीं आएगी? नहीं बिल्कुल बारी आएगी, आपके तो मुल्क की बारी नहीं आ रही, आपकी बारी कैसे आएगी? बारी बारी खेला जा रहा, क्या बोलेंगे? जितना इतनी संजीदा बहस में बारी बारी खेल रहे हैं। अर्जुन जितना कम बोलेंगे उतनी आपकी मुल्क की इज्जत बचेगी। पहली बात, मेरी बात लिसन टू मी नाउ। देखिए, आप लोगों ने जो जगह मस्जिद के लिए दी है, अगर वो उधर आप मंदिर बना देते तो ये सारी नौटंकी करनी ना पड़ती जो आप कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने या हमारी गवर्नमेंट ने अगर कुछ कहा है तो वो इसलिए क्योंकि आप लोग लातों के भूत है, आप लोग बातों से नहीं मानते। अच्छा, आपको आपको पता है ना पाकिस्तान में घुसकर मारा था कि आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? भूल गई क्या कैसी मार पड़ी थी? मस्जिदें तोड़ रहे हैं और किस तरह? कोई नहीं, यहाँ कोई मस्जिद नहीं टूट रही। जी जी, एक सेकंड, तारिक फतेह को मैं लेके आना चाहता हूँ। एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड आप, एक सेकंड शाहनवाज जी, तारिक फतेह, एक सेकंड। तारिक फतेह ये कह रहे कि जो मस्जिद के लिए जगह दी वह मंदिर बना लेते, और हम भारत लातों का भूत है। कंफ्यूजन है, मैं लेट मी एक्सप्लेन। हुआ ये कि जब ये मस्जिद के बारे में बहस चल रही थी तो जो हिंदू जो मंदिर बनाना चाहते थे उन्होंने ऑफर किया कि हम मस्जिद नहीं गिराएंगे, हम करीब में इसके साथ मंदिर बनाना चाहते हैं, आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। वो कोई 200-300 स्क्वायर फीट का सीमेंट का बेसमेंट अब फाउंडेशन पड़ा हुआ है, वो सब तय हो गया था कि मस्जिद भी खड़ी रहेगी साथ में मंदिर होगा, हिंदू मान गए थे। लेकिन आप क्या, आप प्राइम मिनिस्टर अपने उनके कैबिनेट में और उनके साथ में इतने ज़्यादा मुल्ला घिर गए थे कि वो शाबानो केस भी उन्हीं के ज़माने में हुआ राजीव गांधी के, कि उन्होंने वो रुकवा दिया। और जो चीज़ सुलह सफाई से हो सकती थी वो उस वक्त नहीं हुई। उसके रिएक्शन में जो हिंदुस्तान का 80% पॉपुलेशन है वो अपने मक्का और काबा को कैसे देखेगा? कमर चीमा कुछ कहना चाह रहे हैं, चर्च बन जाए। कमर चीमा 30 सेकंड में बोलिए अब आप। कमर चीमा 30 सेकंड। ये जो मैं एक चीज बता कि ये जी, जो आज कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है, आपको पता है कि ये आकिब मीर और कुछ और मुसलमान जो थे इन्होंने पहले मिठाइयां बांट के इसकी इब्तिदा की है हिंदू मंदिर बनने की, तो इस पे खुशी मनानी चाहिए कि ये इससे कमर चीमा बोलिए। देखें, सऊदी अरब एक सॉवरन मुल्क है और एक सॉवरन मुल्क वहां पे क्या कर रहा है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने किसी माइनॉरिटी का चर्च और किसी की मंदिर और किसी की कोई इस तरह की चीजें गिरा के मस्जिद नहीं बनाई सऊदी अरब में। अगर उन्होंने बिल्डिंग गिरा के मस्जिद बना ली तो ये उनका अपना हक है, वो जो मर्जी बनाए।
मंदिर गिरा के मस्जिद मस्जिद गिरा के मंदिर क्यों बन रहा है ये बता दे। अमीश मैं बात करना चाहता हूं। एक सेकंड तारिक फतेह कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड स्वामी दीपांकर हिंदुस्तान से तारिक फतेह कुछ कह रहे हैं। आप 10 सेकंड रुकिए। बोलिए तारिक। ओके ये हठधर्मी है हमारी कि हमारे सामने हमारा फिरौन नहीं हम में से निकलता। हम उन लोगों को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने हमारी मां बहनों को जाके बेच दिया दमिश्क के अंदर। ये गजनी हमारा नहीं है। पता नहीं किस रेप एंड मर्डर्ड अस। गौरी हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। हम सब के सब चाहे पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो या बांग्लादेशी हम एक भारत के ये अच्छे हैं। पाकिस्तान का एक सॉवरेन मसला है मुसलमान नस्ल नहीं है। मुसलमान अमीश मैं बोल जाता हूँ के अंदर क्या भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है उसमें तो आप कुछ नहीं कहेंगे ना। ज्यादती हो रही है क्या? अमीश मैं एक बात कह सकता हूँ? एक सेकंड स्वामी दिबंग तारक फतेह साहब मैं अमीश बोलना चाहता हूँ। मुझे गलत बोल रहे हैं। ज्यादती हो ही नहीं रही मुसलमानों के साथ। नहीं हो रही। नहीं हो रही। आपको आइडिया ही नहीं है। चले मैं देखिए आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन है मैं क्या कह सकता हूँ आपको। लेकिन आप इस चीज को समझे सर मेरे नाम किसी मेरे साथ आप चले इंडिया आपको एक राय रखनी चाहिए। मेरे साथ चले आप इंडिया प्लीज आके मुझे बताएं ज्यादती कहां हो रही है। अच्छा, प्लीज मेरे साथ कश्मीर 8 माह से लॉकडाउन है। कश्मीर पे है नहीं लोगों को पहले तो लग रही है 70 के हिसाब से तो उसके खत्म हो गया। पाकिस्तान ने हमला उधर पाकिस्तान ने हमला किया था कश्मीर पे लोग मुजाहरे कर रहे हैं। एक सेकंड एक सेकंड अमेंडमेंट एक्ट आ गया जो एक सेकंड पता नहीं अब आपकी तकलीफ क्या है। आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आपकी तकलीफ है। कश्मीर में 370 हटाना आपकी तकलीफ है। आप आपका राम मंदिर है आपकी तकलीफ है। आप अपनी तकलीफों की बात करिए ना अपने देश की। आपकी तकलीफ तो हिंदुस्तान की हर चीज से भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आरएसएन आरएसएन देन स्वामी दिबांकर आरएसएन नहीं नहीं मैं ये कहना चाहता था कि इन्होंने हवाला दिया कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है तो ये मेरा ये शायद कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। आप यही कहना चाहते हैं ना कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है तो पाकिस्तान अगर एक इस्लामिक कंट्री है ना तो ये बताइए कि फिर अहमदिया क्यों आप उनको आपने बोला था जिन्ना साहब ने बोला था कि आपको इस्लाम से निकाल देंगे। आपने जिन्ना साहब शिया थे आपने कभी उनको बोला था कि जिन्ना साहब को उन्होंने आपने वायदा किया था कि उनका वो हश्र करेंगे जो ये आज शियाज का वहां कर दिया है तो पहले आपके यहाँ शियाज ये लश्कर जांगवी है ये एक मिनट सर ये सिपाही सभा लश्कर जांगवी सिपाही सभा लश्कर जांगवी ये क्या है मुस्लिम नहीं है ये क्या है ये सारे एंटी शिया ग्रुप से भाई ये सारे एंटी शिया ग्रुप से इस्लामिक रिपब्लिक क्या आपके यहाँ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपके यहाँ शिया की मस्जिदों में शिया की मस्जिदों में ब्लास्ट हुए कि नहीं? आप तो सेकुलर कितने शिया के मॉक्स जो है वो ध्वस्त हो गए हैं सेकुलर क्यों नहीं नहीं आप और दूसरी बात सर सुनिए मैं पाकिस्तान के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूँ। आप सुनिए आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है आपके यहाँ एक फ्रॉड चलता है। अमीश जी इस बात को बड़े ध्यान से सुने और पूरा हिंदुस्तान इस बात को सुने एक इनके यहाँ फ्रॉड चलता है शरीयत कानून तो आप किसी भी कोर्ट में जाएं और आपको वहां पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप नॉर्मल लॉ से जाना चाहते हैं या शरीयत लॉ से जाना चाहते हैं। जज साहब खड़े होकर पूछते हैं सर आज तक आपको मालूम है बड़ा ईमानदार मुल्क है पाकिस्तान आज तक कोई चोरी नहीं हुई है वहां पे किसी का हाथ नहीं काटा गया है शरीयत लॉ के मुताबिक क्योंकि जब चोरी डकैती की बात आती है और ऐसे लोग हैं चीमा की तरह तो ये कहते कि ना बाबा ना शरीयत से नहीं। अरे यार ये कब तक चलेगा ये हिपोक्रेसी तुम्हारा एक अरे जाके चाइना को बोलो ना चाइना ने जाके चाइना को बोलो चीन को बोलो ना ये अपनी तो पूरी पूरी जमीन गिरवी रख दी पूरी जमीन गिरवी रख दी गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को गिरवी बना दिया और क्योंकि वो शिया हैं
क्योंकि वो शिया है, वहां के शिया से जाके पूछो, वहां के शिया, और हम वहां के शिया को हम हक दिलाएंगे, हम वहां के शिया को हक दिलाएंगे, ये हमारा वादा है चीमा, ये हमारा वादा है, हम तुम्हारे कायदे आजम, हम तुम ये बताओ, ये बताओ मेरे को कि कायदे आजम के बारे में भी तुम्हें कोई परवाह नहीं, जी परवाह नहीं, कोई तारीख, वही बोल रहा हूँ, तारीख इनके तुम्हारे पास तारीख नहीं है, और जिन मुल्कों में तारीख नहीं होती है, एक सेकंड, ये जो बड़ा 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 पाकिस्तान करते हैं आरजू, मैं स्वामी दीपांकर को लेकर आना चाहता हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो भी, आरजू पाकिस्तान कब बना था, तारीख आप बताएं, मैं बताऊं, टेल मी द डेट, 1947 में बना था, क्यों, उससे पहले पाकिस्तान क्या था, उससे पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, और तो फिर जाहिर है आप लोगों ने वहां पे मुसलमानों को इतना तंग किया कि उनको तंग आके पाकिस्तान बनाना पड़ा, सिंपल। अच्छा आरजू में एक बात कहूं, पाकिस्तान को पंजाब में एक बात कहूं, बताइए ना फिर पाकिस्तान क्यों बना, मुझे बताइए, आप लोगों ने मुसलमानों को तंग करा, आपने बोला कि पाकिस्तान बनाना पड़ा, तो बांग्लादेश को बनाना पड़ा, बांग्लादेश में तो मुसलमान ही थे सारे, बांग्लादेश को बनाना पड़ा, इमाम और वारिस पठान बनाएंगे एक और पाकिस्तान, आप देखिएगा, वारिस पठान क्या कह रही है, शर्जिल इस्लाम और वारिस पठान बनाएंगे एक और पाकिस्तान, शर्जिल इमाम जेल में है और वारिस पठान डिबेट में नहीं आ रहे आजकल, लेकिन 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 मैं एक सेकेंड, आपके कितने भी लोग इधर हो उनको वापस पार्सल करके भेज देंगे, आप लोग तो नहीं करते, स्वामी दीपांकर, तारिक जी एक सेकेंड, स्वामी दीपांकर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, स्वामी जी बोलिए, अमीश मैं सबसे बड़ी बात आपसे भी कहना चाहता हूं और अपने तमाम पैनलिस्ट से भी, भाई साहब आप तर्क पर लड़ सकते हैं और सत्य के विरुद्ध अपनी बात रख सकते हैं या सत्य जो बोले उससे अपनी बात कर सकते हैं, आप बात किन से कर रहे हैं भाई साहब, एक पिक्चर आई थी सनी देओल की गदर, वो कहता है किससे लड़ रहा है काके, तो ये तो भाई साहब मतलब नितांत झूठी बोलते हैं, तो आप झूठ से कैसे लड़ेंगे, आप सोचिए कि पांच, सुनिए ना, सुनिए सुनिए आदरणीय अब्दुल लीजिए, मैंने आपको सुना, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे भी सुन लीजिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि 5 दिन पहले सिविल लाइन में से लड़की को उठाते हैं महक केसरवानी को, 5 दिन बाद वो महक फातिमा बन जाती है, दुनिया के लिए और अल्पसंख्यक के लिए नर्क बन चुका जो पाकिस्तान या नर्किस्तान वो हिंदुस्तान पर दिखा रहा है, बहस कैसे हो, एक बैकग्राउंड पीछे म्यूजिक चमर कमर चीमा जी कंटिन्यू देते रहते हैं, अर्थ कहने का ये है मेरे यहाँ पर मंदिर निर्माण आपका विदेश मंत्रालय काहे परेशान, बेवजह, फिर कहूंगा तू कौन बोले मैं खामखा, बेवजह आप लोग बोल रहे हैं, आपका ताल्लुक क्या है यहाँ से, और रही बात देश को बांटने वाली, वो सपने देखना छोड़ दीजिए, भारत एक है, निर्णय स्वीकार किए, इसे भटकाइए मत, ये 130 करोड़ आपको एक बड़ा अपडेट देता हूँ, इस समय जब ये बहस चल रही है तो निसार कुरैशी आसमा, ये पाकिस्तान के हैंडल है, ये लगातार ट्विटर हैंडल है, ये लगातार हमारे देश के बारे में खराब बोल रहे हैं और लगातार चैलेंज कर रहे हैं, #RPAR के साथ आज इतने ट्वीट करिए कि आवाज पाकिस्तान तक जाए, #RPAR के साथ आज इतने ट्वीट करिए कि आवाज पाकिस्तान तक जाए, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक में आपको ये करना है और जवाब देना है उन लोगों को, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर वन डिबेट शो RPAR, और मेरे साथ टीम हिंदुस्तान और टीम पाकिस्तान है, मैं इस दौर में शाहनवाज हुसैन, आरएसएन और तारिक फतेह, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक करके आप अपनी बात को कहिएगा, मैं पहले अबू आजमी आरजू काजमी का रुख करता हूं, आरजू बहुत संक्षेप में आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलवामा की आपने एक साजिश करी आज, पुलवामा 2 उसमें आपने मात खाई, तो आपने सोचा कि कल वहां पिटाई हो गई तो आज ये नया फर्रा निकाल देते हैं, क्यों आरजू, किस लिए डिस्कनेक्ट हो गई है आरजू, मैं कमरची में आपका रुख करता हूं, आप जब पुलवामा 2 में पिट गए आज तो आपके विदेश मंत्रालय ने यह काम कर दिया, क्या आपको लगता नहीं है कोरोना से आपका जीवन बचाएं वो,
इससे बढ़िया भारत से किट मांग लेते वो लोग। देखिए नरेंद्र मोदी साहब, जनाब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत क्योंकि कोरोना को डील नहीं कर पाई तो ये मीडिया की अटेंशन कहीं और करने का अच्छा तरीका है। एक तरफ अच्छा ये फर्रा आपने निकाला ना, एक सेकंड, ये विदेश मंत्रालय किसका, ये विदेश मंत्रालय किसका, पाकिस्तान का ना ना। आप लोग अपनी बात में गिर जाते हैं। आप लोग मोदी की मदद कर रहे हैं, ये फर्रा निकालकर, ये फतवा निकालकर आप मोदी की मदद कर रहे हैं। इंडियन आर्मी मोदी साहब पुलवामा, अच्छा पुलवामा के अंदर आपने आतंकी भेजे थे ना, वो आतंकी भी 72 के पास है, उसके परिवार को इल्तिजा दे देना। इंडियन आर्मी या हाफिज सईद से बात होती होगी तुम्हारी, कमर चीमा। मीडिया का ध्यान कश्मीर की तरफ हो जाए। अच्छा मीडिया का ध्यान कश्मीर की तरफ हो जाए और आपके विदेश मंत्रालय का ध्यान किसकी तरफ है? एक सेकंड कमर चीमा, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, आरजू काजमी जानी मानी एंकर है, एक बात बताइए मुझे 10 सेकंड के अंदर, अयोध्या में राम मंदिर से आपका क्या लेना देना है? सिर्फ इतना ही लेना देना है कि लाहौर लव के नाम पर है और तो इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या आइएगा आपको प्रभु राम के दर्शन करा देंगे। बिल्कुल एक दूसरे से लेना देना है। अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो आप लोग भी जम करके आ जाते हैं, बिला वजह उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देते हैं और शोज करते हैं। नहीं, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आपका क्या लेना देना उससे? मस्जिद को आपने तोड़ा है, कोई छोटी बात नहीं है। ओके शाहनवाज हुसैन, अरे ना बाबर से हमारा कोई लेना देना, ना बाबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाबर की मिसाइल आपके पास है, आपके बच्चे, आपके आपके बच्चे ओसामा बिन लादेन की भी मिसाइल देखेंगे, लादेन मिसाइल। भारत के मुसलमानों को शाहनवाज हुसैन, देखिए भारत के मुसलमान, भारत के एक मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए बैठकर जो गालियां बक रही हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरने की, चुल्लू भर पानी में नहीं डूब मरती, जब आप लोगों के कपड़े उतार लिए जाते हैं अमेरिकन एयरपोर्ट पर, अब लेडीज का भी एक्सरे करता, शर्म नहीं आती आपको पाकिस्तानी होने पर? पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर थूकते हैं लोग आप पर, पूरे दुनिया के अंदर शर्म नहीं आती? आपके वजीर आजम के कपड़े उतार लिए जाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती पूरे दुनिया में आपको आतंकी देखा जाता है? आपको शर्म नहीं आती कि पाकिस्तानी को देखकर लोग समझते हैं ड्रग डीलर आ गए? आपको शर्म नहीं आती कि पूरे दुनिया में देखकर लोग कहते हैं ये आतंकी आ गए, ये आतंकी की अम्मा आ गई? आपको शर्म नहीं आता पूरी दुनिया में जाते हैं, किस बेइज्जती होती है पूरे दुनिया में? पूरे दुनिया में आपको कौन देखता है? आप जाते हैं, आपकी इतनी बेइज्जती होती है, पाकिस्तान को भीख मांग मांग कर आप लोग कपड़े पहनने वाले, भीख मांग के जीने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बोलेंगे? आपको नहीं शर्म आती? शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी होने पर। हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में फिक्र करना बंद करो। हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी तकदीर खुद लिखता है, हमें संविधान में पूरा हक मिला हुआ है। आप जैसे लोग नहीं है, आप लोग ISI का लिखा हुआ पढ़ने आती, आप लोग हैं कौन? कौन पूरे किस हकारत भरी निगाहों से आपको पाकिस्तानियों को पूरे दुनिया में देखा जाता है? दुनिया आपको किस तरह देखती है? आपको शर्म नहीं आता, दुख नहीं होता पाकिस्तानी होने पर? आपके मन में यह एक सेकंड, मैं अब रुक करता हूं, एक सेकंड में कमर चीमा आपका रुक करता हूं, फिर मैं तारिक फतेह के पास आऊंगा। कमर चीमा 30 सेकंड में बिल्कुल संक्षेप में बताइए, अनिल शर्मा, दीपेश, अरुण राठौड़, आप नईम भाई, आप तमाम लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप बड़े सारे ट्वीट कर रहे हैं, #RPAR के साथ ट्वीट करिए, करते रहिए। कमर चीमा अब आप मुझे बताइए, आपके मुल्क को आतंकी देश कहा जाता है, आतंक ईरान से लेकर इंडिया तक आप सप्लाई करने का पूरा पूर्ण काम करते हैं, मतलब आप मिनोरिटीज की बात करते हैं, आप कहते हैं कि मिनोरिटीज, आपने अपने आप मिनोरिटीज को रहने दिया है? आपने तो बांग्लादेशियों को नहीं रहने दिया, बोलिए कमर चीमा। कुछ नहीं, इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। इनका कट गया फोन, ही कट गया इनका, आरजू काजमी बिल ने दिया होगा, फोन कट गया जी, ये पूरे दुनिया से कटे हुए हैं जी। इन लोगों को पूरे दुनिया के अंदर तारिक फतेह, नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नेशन, ये जो मुल्क है, ये इसकी माली हालत हम सबको पता है, किसी से छुपी नहीं हुई है, एंड देयर फॉरेन मिनिस्ट्री हैज दिस वर्क टू डू। देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री, कैन यू डू दिस? तो ये लेट मी, एक सेकंड, मुझे एक मिनट दीजिए जी। फॉरेन मिनिस्टर जो हमारे हैं वो अपने आप को हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी कहलाते नहीं, वो कहते हैं कि वो अरब हैं,
आपको शायद इतला ना हो, वो तावीज़ वगैरह बेचते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कुरैश कबीले के हैं और कहते हैं कि मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, हमने हमला करके कब्ज़ा किया। ये आपको पता है कि कल परसों उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि मोदी साहब जो हैं वो ड्रेविडियन नेशनलिज्म सुप्रेमेसी के वो हैं। वो भूल गए बेचारे कि वो जो पीटीबी लाइन आर्यन और ड्रेविडियन की है कि कौन आर्यन है और कौन ड्रेविडियन है। तो ये आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि पाकिस्तान के मंत्री कहते क्या हैं, वो बेचारे जनरल्स चलाते हैं, ये तो राउंड टेबल पे बैठ के अपनी दुकानें चला रहे हैं, इनको बेचारों को वाकई कुछ नहीं। मैंने आज सुबह एक देखा पंजाब नेशनल असेंबली के अंदर 16 कानून एक दिन में चले, वो आरजू काजमी कुछ रिएक्ट करना चाह रही है। एक सेकंड तारिक फतेह जी, आरजू काजमी बताइए, कुरैशी साहब अपने आप को क्या समझते हैं जो बोला तारिक फतेह साहब ने, और क्या तावीज वगैरह बेचते हैं वो? देखिए वो तावीज नहीं बेचते, वो जाहिर है वो अपने एरिया में, जैसे आप क्या होता है कि कोई रिलीजियस स्कॉलर या उस टाइप की वो चीज़ है, तो वो अगर कोई तावीज वो नहीं देते, लेकिन वो वहां पे बैठते हैं और अगर कोई उनसे मिलने के लिए आता है तो उसी तरीके से उनसे मिलते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। जो मतलब करते हैं वो एक काम, कोई ऐसी चीज नहीं लगती, वो कोई मतलब वो करते हैं एक काम। आपने माना कि वो इस तरह का काम करते, ठीक है, वो अपने घर के बाहर दुकान लगाए या कहीं और लगाए, वो उनका मतलब है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। चलिए एक बात तो स्पष्ट है कि कई बार आपको अपने पूर्वजों को आप भूल जाते हैं लेकिन याद कराना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा काम होता है हर बहस के अंदर, ये जो चिट्ठी आई पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से, उसने याद दिला दिया कि श्री राम का वजूद पाकिस्तान में उतना ही बड़ा है जितना हिंद में है। नमस्कार।